अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3, 4, 7.39, ये कौन सा वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, ये है हंड्रेड प्लेस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। अब सबसे पहले कौन सा नंबर है, थ्री, कितने बार कितने प्लेस पे है, हंड्रेड, तो इसको हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, आगे आएगा प्लस। अगला नंबर कौन सा है, फोर, कौन से प्लेस पे है, टेंस, इसको हम टेंस से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। प्लस आगे नंबर कौन सा है, सेवन, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वन से। ठीक है, फिर आगे है प्लस। अब पॉइंट पॉइंट आ गया है ना। अब जो जितने भी नंबर हैं उनको हमें, यहाँ पर तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब जितने भी नंबर हैं उनको हमें 1/10 से करना है। ठीक है, जो टेंस प्लेस पे था उसको 1/10 से, जो हंड्रेड प्लेस से है उसको 1/100 से। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। ठीक है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया 300, 4 को 10 से किया 40, 7 को 1 से किया 7, 3 को 1/10 से किया। अब 1 0 है अपॉन में, तो अपॉन 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पे 2 0 ज़्यादा, 2 0 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। 9 के आगे 4 0 लगा दो ताकि 2 डिजिट्स बन सके। ठीक है, अब देखो 340, इनको जब हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, इनको प्लस करके देखना, 347 आएगा, 0.3 प्लस 0.09। ठीक है, अब इनको जब प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करके देख सकते हो तुम, अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो देखो 9 3 पॉइंट, अब पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट रखना होता है हमेशा। ठीक है, 7 4 3, तो ये हमारा आंसर आ गया, 34 7.34 7.39 आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करके देखो, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ऐसे ही होने हैं। ठीक है, एक बार अपने हाथ से करके देखो, अगर आपसे होते हैं तभी आप मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं आगे करवाती हूँ। थैंक यू।